हाय गाइस, हेलो एवरीवन। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने वाला हूँ, एक ऐसा टैलेंट दिखाने वाला हूँ दोस्तों, जिसे देखकर हर कोई सोचेगा वाह क्या चीज है, क्या है आइडिया, क्या बात है। मुझे 100% गारंटी है दोस्तों कि आप लोग ऐसा सोचोगे, बोलोगे। दोस्तों, मैं आपको इसलिए सब बता रहा हूं, हमारे इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर एक के पास कुछ अलग नया जरूर है, मगर उसको कोई जगाता नहीं, उसको वहां से कोई निकालता नहीं है। थोड़ा सा अपने दिमाग को दौड़ाओ, जो अंदर पड़ा हुआ है, जो भूसा भरा हुआ है, उसको निकालो, दिमाग को ताजा करो, जागा करो, और उसके बाद सोचो दोस्तों कि यूट्यूब पर लाखों करोड़ों लोग मंथली लाखों करोड़ों अर्निंग कर रहे हैं। किस वजह से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, आपको मालूम है दोस्तों? मुझे नहीं लगता आपको बताना जरूरी है, क्योंकि हर एक को मालूम है लाखों करोड़ों रुपए लोग कैसे कमाते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारा टैलेंट पड़ा हुआ है, बहुत सारा टैलेंट भरा हुआ है, उनके टैलेंट से वो कुछ ऐसा कर दिखाते हैं, दुनिया को उसके सामने झुकना ही पड़ता है, उसको अपनाना पड़ता ही पड़ता है। तो दोस्तों, कुछ ऐसे ही है, जो उनका नाम नहीं लूंगा दोस्तों, मैं सीधा आपको मैं वीडियो दिखाऊंगा उनका, आप देख लेना। वो सब करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत नहीं है दोस्तों। आपके पास अगर सादा 10,000 का भी एंड्रॉयड फोन है, तो उससे भी आप शूट कर सकते हो। उसके लिए ना ही कैनन का या कोई और कंपनी का अच्छा क्वालिटी का कैमरा ही होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। और ना ही ये सब बनाने के लिए 1 रुपए की ज़रूरत पड़ती है। बस चाहिए तो हिम्मत और टैलेंट, अगर ये दोनों आपके पास है तो आपको भी कोई रोक नहीं पाएगा, ये सब करने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, अगर वो लोग कर सकते तो आप भी जरूर कर सकते हो दोस्तों, ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, अगर आपके पास दिमाग है और आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है, तो आप वीडियो शूट कर सकते हो। वीडियो शूट करके आपको अगर एडिटिंग करना नहीं आता है, तो काइन मास्टर का एप्लीकेशन लेके आप यूट्यूब पे भी सर्च करके आप देख सकते हो कि एडिटिंग कैसे करना है। बहुत सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे, वो देख देख करके आपको एडिटिंग सीखना है दोस्तों। अच्छे क्वालिटी का एडिटिंग करना सीख जाओगे ना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। ये दोनों हो जाएगा, एडिटिंग प्लस आपका शूटिंग, ये हो गया तो 1 रुपए की भी जरूरत नहीं दोस्तों, पैसा अपने आप आपके पास चले आएगा। तो चलिए दोस्तों, वो क्या वीडियो है, कौन सा वीडियो है, वो कौन सा टैलेंट है, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती जरूर जलेगी, ये मुझे आत्मविश्वास है। तो चलिए वो वीडियो देखते हैं दोस्तों। सरदार, चलो जल्दी आगे, हम लोग चल के नहीं जा सकते। हाँ तो दौड़ के जा सकते हैं ना? नहीं, दौड़ के भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये रास्ता श्रापित है, इसके आगे पैर रखेगा तो चल के भस्म हो जाएगा। क्या फालतू बात कर रहे हैं यार, चलो रे। बस हो गया। मेरे पास एक दिमाग है, तुम लोग यहीं रुको, हम अभी आते हैं। क्या कर रहा है? चलो आ जा, हम लोग इस पे नहीं चल पाएंगे, तुम लोग जाओ, हम लोग यहीं रहते हैं। चलो ठीक है, चलो रे।
उतर जाओ। बताइए सरदार क्या हुआ? हमारा मनी कहाँ है? मनी? वो तो चोरी हो गया। चोरी हो गया? ऐसे कैसे चोरी हो गया? सरदार कुछ सरी लोग आया और मनी चोरी करके चला गया। उस टाइम तुम लोग कहाँ था? हम लोग भी वहीं थे। हम लोग उससे बहुत लड़े, मार के गर्दन उड़ा दिए, लेकिन उन लोग धुआं उड़ा के हम लोग को बेहोश कर दिया और मनी लेके चला गया। हमको हर हाल में वो मनी चाहिए। जाओ मनी लेके आओ। सरदार उन लोग बहुत चलाक है, बहुत दिमाग लगाता है, हम लोग उससे नहीं लड़ पाएंगे। टेंशन मत लो, हम अभी तुम लोग का ताकत डबल करते हैं। अब तुम लोग का ताकत डबल हो गया है। जाओ मनी लेके आओ। अभी जाते हैं, चलो रे। साला इतना मेहनत से मनी चोरी किए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाँ यार तुम सही बोल रहा है, ये मनी किसी काम का नहीं। तुम लोग सर ये बात भूल रहा है, इस मनी में ऐसा पावर है जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। हाँ लेकिन उससे हमारा क्या फायदा? अरे जरा सोचो, दिमाग लगाओ। इस मनी का यूज करके हम लोग बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कैसे? चलो दिखाते हैं। आप लोग इतना रो क्यों रहे? रिक नहीं रहे, मेरे पति मर गए। आप लोग रोना बंद कीजिए, हम इसको अभी जिंदा कर देंगे। अच्छा जिंदा करके दिखाना? लेकिन 5,000 रुपया लगेगा। 5,000 क्या, हम आपको 10,000 देंगे, पहले जिंदा करके दिखाइए। अभी जिंदा करते हैं। जिंदा करने का मंत्र अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जिंदा कर दे इसको तू। अरे भाई मैंने तो तुमको जिंदा किया है। वही तो, जिंदा क्यों किया? जिंदा क्यों किया? अरे भाई मैंने तुमको जिंदा किया है, तुमको तो खुश होना चाहिए। क्या घंटा खुश होना चाहिए? साला इतना मुश्किल से मरे थे और तुम आकर के जिंदा कर दिया। अच्छा भाई एक बात बता, तुम मरा क्यों था? क्या बताएं भाई, मेरी बीवी मुझे बहुत परेशान करती थी, घर का सारा काम करवाती थी, कपड़ा धुलवाते थे, खाना बनवाती थी और ऊपर से शक भी करती थी, इसीलिए हम मर गए और तू साला करके हमको जिंदा कर दिया। मार दो हमको। मारो मारो हमको। देख भाई हम सिर्फ जिंदा करने जानते हैं, मारने उड़ने नहीं जानते हैं। अच्छा मारने के लिए हम जानते हैं। कैसे? चलो उतर जा। चलो देख छोटे, अब हम लोग का ताकत डबल हो गया है, अब हम लोग आसानी से मनी वापस ला सकते हैं। लेकिन सरदार हम लोग को पता कैसे चलेगा? सरदार हमको भी थप्पड़ मार के चेक करना है। अरे थप्पड़ मारने की जरूरत नहीं है, हम देख लें तुम्हारा ताकत, हम लोग से ज्यादा ताकत तुम्हारे अंदर है। चलो अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, चलो। अरे क्या हुआ सरदार? इस जंगल में हम लोग के अलावा कोई तो है? कहाँ कोई है, पूरा जंगल खाली है, देखिए। चलिए अरे सुना? क्या सुना? अरे फोटो खींचने के बाद कुचुट कुचुट। हाँ कोई तो है जो हम लोग का फोटो खींच रहा है। अरे देखा, सब कोई तैयार हो जाओ, वो यहीं कहीं होगा, ढूंढो उसे। अरे भैया क्या हुआ, वहां कोई है? साला वो शीशा है,
शीशा मतलब? शीशा मतलब अभी समझाते हैं, इधर आ देख, शीशा के इस पार तुम तो शीशा के उस पार भी तुम, शीशा के इस पार हम तो शीशा के उस पार भी हम, समझा? समझ तो गए लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या? इधर आइए। शीशा के इस पार आप तो शीशा के उस पार कहाँ है आप? अरे साला, अबे साले, शीशा के उस पार जाने के लिए शीशा के सामने खड़ा होना पड़ता है, समझा? नहीं समझा तू? साले कभी नहीं समझेगा, चल भागने वाला पुतला है, चलो। सरदार वो भाग रहा है मतलब भागने वाला पुतला नहीं है, वो इंसान है, पकड़ो साले को। अब बच के कहां जाएगा बता? हम लोग का फोटो क्यों खींच रहा था सरदार? इसका फेस देखिए, यही साला हम लोग का मैंने चोरी करवाया था। अच्छा, साला उस दिन तो बच गया था, आज नहीं छोड़ेंगे। बताओ हमारा मनी कहाँ है? अगर मनी के बारे में जानना चाहता है तो तुम लोग को मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम? तुम लोग सबसे पहले अपना आंख बंद करो। अभी करते हैं। आगे बोलो। अबे कुछ तो बोल। सरदार ये तो साला भाग गया। साला मूर्ख बना दिया, बच के जाएगा कहाँ? चलो अजय, 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 जिंदा कर दिए। चलो निकालो 5,000। तूने मेरे दोस्त को जिंदा किया है, ये लो पूरा पर्स ही रखो। चलो हमको पता था तुम लोग मनी लेने वापस जरूर आएगा, लेकिन अब कोई फायदा नहीं, चले जाओ वापस। वो मनी हमारा है, हमारा मनी वापस कर दो फिर हम लोग चले जाएंगे। अबे वो मनी तुम्हारा था लेकिन अब वो मनी हमारा है, इसका मतलब तुम लोग मेरा मनी वापस नहीं करेगा, नहीं करेंगे। देख क्या रहा है, धनुष उठाओ, लगाओ निशाना। ले लीजिए आपका मनी, माफ कीजिए। ये लीजिए सरदार हमारा मनी। चलो करने का शक्ति नहीं है तो उसमें एक रहस्य है। साहस? साहस नहीं, रहस्य। कैसा रहस्य? हम फिर से गए थे वो जंगल, वहां से हमको पता चला वो जंगलों का एक सरदार भी है और उसके पास है एक जादुई छड़ी। जादुई छड़ी? हाँ, वो जादुई छड़ी और मनी को जो भी आपस में जोड़ेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। अच्छा, इसका मतलब हम अमीर आदमी बन जाएंगे? अमीर आदमी तो छोटा बात है। तो बड़ा बात क्या है? बड़ा बात ये है कि हम लोग के पास बहुत पावर होगा, हम लोग जो चाहेंगे वो होगा, हम लोग दुनिया पे राज करेंगे। अच्छा, तो हम लोग अभी जाते हैं जंगल और मनी जादुई छड़ी दोनों वापस लेकर आते हैं। चलो रुको, ये इतना आसान नहीं है। वो जंगल लोग का पावर डबल हो चुका है, वो तुम लोग को ऐसे ही मार के फेंक देगा। तो अब क्या करें? सब कोई ध्यान से सुनो। सुना, सबको समझ में आ गया? यस बॉस। ठीक है जाओ। चलो
ये लिए सरदार हमारा मनी। अच्छा सरदार, इस मनी में से है क्या जो हम लोग सालों से इसको संभाल कर रखे हैं? ये मनी मरे हुए इंसान को जिंदा कर सकता है। ये तो हमको भी पता है। पहले पूरा बात तो सुनो। ये मनी और ये जादुई छड़ी को जो आपस में जोड़ेगा वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। वो शहरी लोग फिर से मनी लेने आया है, इस बार जिंदा नहीं बच के जाना चाहिए। जी सरदार। देख लिया दोस्तों, ये सब करने के लिए क्या चाहिए बताओ? कितने पैसों की जरूरत है? दोस्तों सिर्फ अपना दिमाग दौड़ाओ, ये सब करने के लिए एक भी रुपए की जरूरत नहीं लगती है। मेरे ख्याल से चाहिए तो वो टैलेंट और वो सब हर एक के पास में होता है, उसको जगाता नहीं है कोई। कभी जगाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग को जगाओ, चलाओ, आपको भी जरूर कुछ मिल जाएगा। मुझे यकीन है, 100% के साथ बोल रहा हूँ मैं, आपको भी मिल जाएगा। और आपको हर महीना लाखों करोड़ों कमाने से कोई नहीं रोक पाएगा, इतना यकीन के साथ बोल रहा हूँ। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।